हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के एपीओ के रिज़ल्ट के बारे में और उसका कट ऑफ भी देखेंगे। देखिए, बार बार आपका कमेंट आ रहा था, वो कमेंट मैं दिखाता हूँ कि मेंशन था और इतने सारे कमेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि सर क्या अपडेट है उसके बारे में, कुछ आपको पता चला है कि नहीं, क्या कब तक आएगा रिज़ल्ट, इन सब चीज़ों के बारे में। सो प्लीज़, उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। सो आइए देखते हैं। देखिए कमेंट में देखिए, इस मतलब ये अब मैंने दो तीन कमेंट ही उठाया, मैं जल्दी मुझे ये वीडियो डालना था इसीलिए, मैं तो और ही बहुत सारे कमेंट्स थे सर, कब रिज़ल्ट आएगा, कोई अपडेट आया कि नहीं, जुडिशरी के एग्ज़ाम के बाद आएगा, क्या होगा, ये सब सारे कमेंट्स आ रहे थे। सो आइए पहले देखते हैं कि जो अटेंडेंस था, आपको पता ही है 70% अटेंडेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 68-70% के आसपास अटेंडेंस थी इस बार एग्ज़ाम में। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो क्या था। क्यूआर के लिए 97 था, ईबीसी के लिए 93, बीसी के लिए 90 और एससी के लिए 85 और एसटी के लिए 89। मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और जाननी हो तो आप प्लीज़ आप देख सकते हैं या पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे किसी तरह भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं और भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलता है तो मैं एक वीडियो रैप अप करके मैं ज़रूर डालूंगा, ठीक है। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बार बार कॉमेंट आ रहा था तो उसका रिप्लाई करना भी ज़रूरी था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हर कॉमेंट का पार्टिकुलर रिप्लाई करूँ। सो प्लीज़, बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं तो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ अपने कॉमेंट्स, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए। सो देखिए, इसमें जो कटअप जो जाएगा जनरल का 123 से 126 के बीच में, फीमेल का 114 से 118 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 110 से 113 के बीच में और फीमेल का 98 से 102 के बीच में, बीसी का 112 से 114 के बीच में और फीमेल का 102 से 105 के बीच में और ईबीसी का 100 से 105 के बीच में और आपका फीमेल का 92 से 95 के बीच में, एससी का जो जाएगा 90 से 93 के बीच में और आपका फीमेल एससी का जाएगा 80 से 83 के बीच में, ओबीसी एफ का जाएगा 90 से 93 के बीच में, एसटी का जाएगा 96 से 98 के बीच में और आपका फीमेल का जाएगा 85 से 88 के बीच में। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट के बारे में। देखिए रिज़ल्ट के बारे में क्या चीज़ें हैं, अभी इस टाइम पे बीपीएससी कोई भी रिज़ल्ट आउट नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा कोई भी रिज़ल्ट आउट नहीं कर रही है, रिज़ल्ट प्रिपेयर है, ठीक है, फाइनल स्टेज में है लेकिन आपका पब्लिश नहीं हो रहा है रिज़ल्ट, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या हो रहा है कि आप देखिए 31 जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, जो सिचुएशन बनी हुई है वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। सो रिज़ल्ट पब्लिश है और हो सकता है कि इस महीने में आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाए। देखिए ये सब जो एग्ज़ाम ये कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं इस कारण से, जो कियोस बना हुआ है बीपीएससी में उस कारण से हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में हो या रिज़ल्ट लेट आएगा, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट आएगा ज़रूर और इसी मंथ में आएगा, कोशिश किया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपका जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी एग्ज़ाम्स अभी कैंसिल हो रही हैं वो एग्ज़ाम्स आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और रिज़ल्ट प्रिपेयर्ड है, फिर सिर्फ पब्लिश करना है उसको, और अभी इतने ज़्यादा मतलब वर्कलोड पड़ गया हुआ है बोर्ड के ऊपर कि अभी इस टाइम पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, सो इस कारण से रिज़ल्ट लेट आ रहा है, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हैं हर बोर्ड का, हर सेंट्रल बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, इसका यही प्रॉब्लम चल रहा है। अभी देखिए एसएससी के बारे में भी जो बात करते हैं, फेज़ 8 का सिलेक्शन पोस्ट का, उसका भी रिज़ल्ट 9 तारीख को आना था लेकिन अभी तक नहीं आया। सो होप कि आपका अप्रैल में आ जाएगा रिज़ल्ट, लेकिन कोशिश हो रहा है कि सारे बोर्ड जल्दी जल्दी अपना रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे। सो प्लीज़ आप वेट कीजिए अप्रैल तक का, बार बार कॉमेंट करके सेम क्वेश्चन को ना पूछिए, क्योंकि देखिए रिज़ल्ट ऐसी चीज़ है जो अगर मैं वहाँ फ़ोन भी कर रहा हूँ तो उनको यही अपडेट मिलने को आ रहा है कि आ जाएगा रिज़ल्ट, रिज़ल्ट अभी पब्लिश हो जाएगा, कुछ दिन का इंतजार करिए, कुछ दिन कितना होता है ये मुझे नहीं पता। सो प्लीज़ आपको किसी तरह भी आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके पास भी ये जानकारी नहीं है, वो कह रहे हैं अप्रैल में आ जाएगा। सो ये जो है ये फाइनल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता है, मेरा विश्वास मानिए जो रिज़ल्ट है इस महीने आ जाएगा आपको, बस आपको वेट करना है और अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखनी है और आगे बढ़ाते रहनी है। सो आई होप कि आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।